का जिस तरह से वैष्णो देवी में ठंडा लगता है, ठीक उसी तरह से फुल एसी है। जमीन से 15 से 20 25 फीट हाइट पे और प्लस 1500 फीट लंबा। जो प्रसाद आया है ना और माता रानी के दरबार कटरा से ही आया। नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं ज्वेल, ये शिवम। तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि नवरात्रि आने ही वाला है बस अब कुछ दिनों में, और ये फेस्टिवल जो है पूरे इंडिया के लिए काफ़ी महत्व रखता है क्योंकि पूरे इंडिया में इसको धूमधाम से मनाया जाता है। हर जगह पे तरह तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके के पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन इस नवरात्रि जो है हमारे गया जी में और भी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि टेकारी रोड के हाथे गोदाम में एक बहुत ही भव्य तरीके का, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट से एक पंडाल बनकर तैयार हो रहा है कि माता वैष्णो देवी का जो जम्मू में जो गुफा है, जिस तरीके से वो बना हुआ है और माता वैष्णो देवी का जिस तरीके का भवन वहाँ बना हुआ है, सेम उसी तरीके का गुफा बनाने का कोशिश किया गया है ताकि यहाँ के जो भक्त हैं, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, वो माता वैष्णो देवी के गुफा को और माता वैष्णो देवी के यहाँ दर्शन कर सके। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं इस गुफा का। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे पीछे पूरा पंडाल बना हुआ है। आइए बात करते हैं समिति के मेंबर से और जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इस पंडाल के बारे में। मैं स्वागत करता हूं भैया, आप आइए और हमें इस पंडाल के बारे में बताइए। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। जितेंद्र कुमार, इस कमेटी का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। श्री श्री दुर्गा मंदिर एवं शनिदेव मंदिर, दुर्गा पूजा समिति, हाथी गोदाम, टेकारी रोड, न्याय में सभी श्रद्धालुओं के आदेश में PNB बैंक एवं प्रमोद गड्डू बना है। तो भैया आप ये बताइए कि अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये क्या है और यहाँ से ये पंडाल, ये भवन गंगा जो भी हमारे भक्तजन एवं श्रद्धालु आएंगे सभी के शुद्धिकरण के। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें पानी होगा जी, और यहाँ से शुद्धिकरण करके, शुद्धिकरण कर माता रानी के दरबार के लिए एंट्री करेंगे। लोग अंदर चले। हाँ, सभी श्रद्धालुओं का वेलकम है। आप लोगों का 15/10/2023 से शाम 5 बजे से वेलकम स्वागत। चरण पादुका का दर्शन करते हुए यहाँ पे शिवलिंग का दर्शन। अच्छा, यहाँ पे शिवलिंग हो। हाँ, जो शिवलिंग यहाँ से दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं अर्ध कुमारी की तरफ। अभी हमने आपको दिखाया सबसे पहले बाणगंगा जहाँ पे हमारी शुद्धिकरण होगी, इसके बाद हमने दिखाया जहाँ पर माता रानी का चरण रहेगा, लोग उसके दर्शन करेंगे। फिर आपको जो शिवलिंग, अभी चूंकि यहाँ काम चल रहा है दोस्तों, तो शिवलिंग आपको सामने रखा हुआ दिख रहा होगा। यही शिवलिंग जो है जब मंदिर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, पंडाल पूरा कम्प्लीट हो जाएगा, तो ये वहाँ पर रखा जाएगा माता रानी के चरण के पास, जिसके हम लोग दर्शन कर सकेंगे। दोस्तों, इस पंडाल की यह भी एक खासियत है, इसकी लंबाई 1500 फीट है और इसे 15 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया। दोस्तों, जिस तरह से वैष्णो देवी के गुफाओं में होता है, थोड़ा कंजस्टेड होता है और लेकिन लोग आराम से पार हो सकते, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि उसी तरह का एक स्वरूप इसको भी दिया गया है। अभी हम लोग इसी के अंदर से पार हो रहे हैं। आइए और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे माता अर्ध कुमारी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी, उनको यहाँ पर विराजमान किया जाएगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। दोस्तों, इसके अंदर का जो वाइब है ना वो एकदम बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मीठा वाइब है। आप कह सकते हैं कि जो आपको माँ वैष्णो देवी के दर्शन है वो आपको यहाँ बहुत अच्छे से करने को मिलेगा। ये उस तरह से रहेगा जिस तरह से वैष्णो देवी में ठंडा लगता है, ठीक उसी तरह से फुल एसी है। ये फुल एसी रहेगा, फुल एसी रहने वाला है पंडाल, मतलब भक्तों के लिए पूरी तरीके से सुविधा होने वाला है इसमें, क्योंकि कई जगह होता है कि भीड़ के कारण जो है सफोकेशन हो जाता है, उसका भी ध्यान रखा गया। पूरा 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 बंदोबस्त है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास 30-35 बाउंसर रहेंगे, लेडीज एवं जेंट्स। अच्छा, और मैंने प्रशासन से भी अनुरोध किया हूँ कि मतलब उनके तरफ से भी कुछ सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी भी रहेगा। हाँ, वो हमें आश्वासन दिए हैं कि आपको सिक्योरिटी मिल जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? जब हम माता रानी के दरबार में जाते हैं ना जी, तो बाणगंगा अर्ध कुमारी का दर्शन करते हुए भवन के पास जाते हुए रास्ते में जो 10-12 मंदिर मिलते हैं, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, जितने भी हैं ना, अच्छा, गणेश जी, और सारी प्रतिमा मिलेगी। अच्छा, मतलब जितने भी जगह यहाँ देख रहे हैं, एक प्रतिमा यहाँ है, एक प्रतिमा यहाँ पर भी रहेंगी। अच्छा, वैसे ये बताइए कि इस पंडाल को बनाने का जी, ये आइडिया कैसे आप लोगों के माइंड में मतलब आया? हम लोग जिस जगह पे आ जी, माता रानी का एक सच्चे दरबार है। हाँ,
जो हमारा मंदिर है जी, अभी हम लोग जो यहाँ से चल रहे हैं जी, तो मंदिर के ऊपर से ही गुजरेंगे। अच्छा अच्छा, मंदिर के ऊपर से चल रहे हैं हम लोग अभी, नहीं थोड़ा आगे जाते हैं। हाँ, थोड़ा आगे जाकर मंदिर के ऊपर से गुजरेंगे जी जी। इस मंदिर को भी आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसके ऊपर से भी हम लोग चल रहे हैं और इसको कितने खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है और इसके ऊपर से इस पंडाल को बनाया गया है। आइए चलते हैं आगे, माता रानी का भवन। अब हम लोग माता रानी के भवन में चल रहे हैं। ये आगे माता रानी का भवन। अच्छा, और ये सामने आप देख सकते हैं माता रानी का भवन। दोस्तों, जिस प्रकार से माता रानी का भवन आपको वैष्णो देवी में देखने को मिलता है, गया के हाथीगुड़ा में ठीक उसी प्रकार से इसको बनाने का पूरा प्रयास किया गया और आप देख सकते हैं कि लोग इस प्रयास में बिल्कुल सफल रहे। यहाँ आपको माता रानी का भवन, जहाँ पे माता रानी खुद विराजमान रही थी। तो मैं ये चाह रहा था पूछना, भैया आप ये बताइए, जिस तरह से पंडाल को 15-20 फीट ऊंचाई पर बनाया गया है, तो ये किस तरह का मटेरियल यूज किया गया? पहला मैं आपको बता देता हूँ, 90% मटेरियल बाहर से मंगाया गया। अच्छा, जो यहाँ सुविधा नहीं है। इस पंडाल को बंगाल से बड़ा मेरा कारीगर भी सारा बंगाल का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, 35 से 40 कारीगर, आज आपको 6 तारीख हो गया, 45 दिन से काम जारी है डबल शिफ्ट में, सारा बंगाल का है। जमीन से 15-20-25 फीट हाइट पे और प्लस 1500 फीट लंबा फुल एसी। एक बार सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, इस दरबार में आकर जयकारा जरूर लगाए माता रानी का। आने के बाद जितना भी आपका दुख कष्ट है वो माता रानी सारे हरे। और दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का ये फ्लाईओवर, यही कनेक्ट किया हुआ है एक छत से दूसरी छत के बीच का रास्ता, जो गैप था उस गैप को इस चीज से कवर किया गया है। और इस तरीके के आपको यहाँ पर टोटल 6 फ्लाईओवर्स है वो देखने को मिलेगा। सब भक्तजनों से ये अनुरोध है कि जो भी मेरा दरबार में आए, कृपया कर आप भी मेरा इस कार्य में सहयोग करें, तभी इस कार्य में मैं कायम हो पाऊँ। सहयोग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये हमारा भी आप सभी से अपील होगा कि जो यहाँ आए अपनी सेवा और सहयोग की भावना रखें, ताकि इस चीज को और सफल बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा सकें। माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा का दर्शन जरूरी होता है, माता के दर्शन सफल करने के लिए उसका भी पूरी तरीके से यहाँ पे ध्यान रखा गया है। भैरव बाबा का दर्शन करते हुए एग्जिट गेट है। अच्छा, जिसे हमारे सब भक्तजनों इधर से बाहर निकले। हाँ, बाहर का निकासी। बंगाल के सारे है खुद बोलते हैं, भैया लाइफ में मैं 25 साल से कारीगरी कर रहा हूँ, पूरे बिहार और झारखंड और बंगाल यूपी ये सब स्टेट में काम किया हूँ, ऐसा अजूबा पंडाल मैंने कभी कहीं नहीं बनाया, पहली बार बनाया। जबकि हम लोग देखे हैं कि कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए किस तरह की भव्य तैयारियां की जाती है, कभी खलीफा है कभी कुछ है, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट ये सच में बहुत ही अलग है, बहुत अजूबा कॉन्सेप्ट है ये, जिसको इस तरह से गया में रूप दिया गया है, स्वरूप दिया गया है। माता रानी ने इस साल सोचा कि ऐसा कार्य किया जाए कि मैं बिहार को फर्स्ट पोजीशन पे करूं। एकदम एकदम, और ये वाकई में होने वाला है, वाकई में होने वाला है, एकदम होने वाला। इसीलिए सभी भक्तजनों एवं श्रद्धालुओं से अनुरोध है, कृपया ये मौका चुके नहीं जयकारा लगाने का, अगर चुक गए तो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सही बात है। और सब भक्तजनों को मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको अभी तक बतलाया नहीं, 51 रुपया का एक महाप्रसाद रखा गया है जी, जो हम माता रानी के दरबार में जाते हैं, जिस तरह से नारियल है चुंदरी है प्रसाद मिलती है, वो सारा व्यवस्था एवं महिलाओं के लिए खासकर इस कमिटी की ओर से श्रृंगार सामग्री का पूरा आइटम उसमें है। अच्छा, जो माता रानी के चरण में स्पर्श कर सभी श्रद्धालुओं के दे देना है, जो अपना भक्तजनों यूज कर सकते। ये एक अलग चीज है जो आपको वैष्णो देवी के मंदिर से ही कुछ चीजें आपको यहाँ सिर्फ 51 रुपए के सहयोग राशि से वो आपको प्राप्त हो सकता है। ये एक समिति का एक और अच्छा कदम है इस चीज के लिए। और सब भक्तजनों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो प्रसाद आया है ना वो माता रानी के दरबार कटरा से ही आया है। ये बहुत बड़ी बात है कि वो कटरा से वो प्रसाद आया है, मतलब पूरे तरीके से कोशिश किया गया है कि गया में रह के ही माता वैष्णो देवी का दर्शन कराया जा सके। सही भक्तजन से अनुरोध है कि कृपया माता वैष्णो देवी का गुफा देखने के लिए आए और शांतिपूर्वक देखें,
धन्यवाद। आपका नाम क्या हो भैया? रामजी केसरी। और आप समिति में, समिति के मेंबर हैं अभी? बस सदस्य हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, हमने आपको दर्शन कराए माता वैष्णो देवी धाम, जो कि ठीक हुबहू कटरा में जिस प्रकार का मंदिर बना हुआ है, जिस प्रकार का धाम बना हुआ है, गया में भी उसी का स्वरूप दिया गया है। दोस्तों यहाँ आना कैसे? गया के आज़ाद पार्क स्थित भिखारी रोड के हाथे गोदाम भगवान शनि मंदिर के पास ये गुफा बना हुआ है, यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी यहाँ आ सके और दर्शन कर सके। और अगर हमें आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो करना ना भूलें। और अगर यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।